आ गया तो प्रभु को भूल गया। प्रभु ने सिर्फ इतना कहा सत्यम भवतुते वचनम्, सब चला गया। तो चला गया तो मरिये को भान आ गया, ये कोई साधु नहीं था, ये भगवान था। हम जो कहा यहां कभी नहीं कोई, और साधु की अवज्ञा कभी नहीं करना, देना है तो देना वरना नमस्कार करो आप निकल जाओ, वो नहीं निकलता है। कई बार हठयोगी आ जाते हैं, हम क्या बोलते, जड़ है, जाता नहीं है। सब जड़ नहीं होते, साधु कभी जड़ नहीं होते, और जड़ होते उसको साधु कहते नहीं। सब लोग घबराए भयभीत हुए, और यहां तुलसी ने एक संदेश दे दिया कि जीवन में संत की, ब्राह्मण की, साधु की अवज्ञा मत करना। साधु अवज्ञा करु फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जलने की चिंता किसको होती है, जिसका घर लकड़े का हो। समझो कि यहां फायर बहुत लगती है, तो चिंता किसको होती है, जिसके घर लकड़ी के होते हैं। या तो इसको डर लगता है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते, मगर सुवर्ण का घर है वो कैसे जल सकता है। यानी कि 10-20 पीढ़ी चले, इतना धन पड़ा है वो क्यों चिंता करे, कितना भी खर्चा कर ले कभी खत्म नहीं होगा। मगर यहां आचार्य तुलसी ने कहा कि उसमें कहीं भी आप साधु के चक्कर में मत आ जाना, साधु का अपमान मत कर देना, साधु की अवज्ञा मत कर देना। यदि साधु का अपमान कर दिया तो कौन जाने किस वेश में प्रभु आपके सामने आए, वो स्वयं भगवान क्यों ना हो। इस तरह आपकी सब संपदा जल जाएगी, जैसे रावण की लंका जल गई, अनाथ हो जाओगे आप। जारा नगरो निमिष एक मान। ऐसा नहीं है कि पूरी संपदा को खत्म होने में वर्ष लगते हैं, एक गलत डिसीजन आ जाता है पूरा कोलैप्स हो जाता है, एक गलत कृत्य हो जाता है पूरी जिंदगी बर्बाद। तो यहां जिसको जलना चाहिए था, मिट्टी का लकड़े का घर था वो नहीं जला, और सुवर्ण की लंका जल रही है। साथ एक विभीषण कर ग्रह नाही, जिसके ऊपर राम का आयुध अंकित था, आंगन में तुलसी के छोड़ थे, ऐसा घर नहीं जला और पूरी लंका जल रही थी। ताकर दूत अनर्ज ही सिरजा, जरा न सोते ही कान गिरजा। हे गिरिजा, भगवान राम के दुख के लिए सब कुछ संभव है। उलटी पलटी लंका सब जा, उल्टी पुलटी लगाते वानर स्वरूप में मजा लेते हुए पूरी लंका को जला दिया। अब पूछ को बुझाने का समय आ गया। छलांग लगाई समुद्र में और पूछ को बुझा दिया। अभी मां के पास जाना है, मगर ऐसे क्रोध में थे, लंका जलाने के कार्य में व्यस्त थे, तो हनुमान जी को लगा कि मुझे थोड़ा श्रम लगा है। तो थकान मां को नहीं दिखनी चाहिए, बच्चे की थकान देखकर मां को दुख होता है। तो पूछ बुझाई खोई श्रम, दरिल रूप बहोरी, जनक सुता के आगे थड़ बयू कर चोरी, मात मोहि दीजे कछुना, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतार तब दई, हर्ष समेत पवन सुत लई, कहि तात अस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन काम, दीन दयाल बिरुद संभारि, अरहु नाथ मम संकट भारी, तात चक्र सुत कथा सुनायु, बाण प्रभा प्रभु सम जायु, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो मैं कुमि
यत नहीं पावा कहो का पीते दीदी राखो प्राण तुम हो तात का अब जान तो ही देख सी तली बई जाती उन्हीं मोकाओ सोई इन सोई राती मंगल भवन अमंगल जब हो सुगर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी माँ के सामने थके हुए बदन से थके हुए चेहरे से नहीं जाना चाहिए क्योंकि माँ चिंता करती है। हमारे संसार में सबसे ज्यादा कोई चिंता करती है तो वो माँ। अरे मोड़े थी बोलू माँ क्या तुम मैंने साचे बाल सब 90 वर्ष की बुढ़िया होती है घर पे होती है उसको कुछ आता नहीं कुछ समझ में नहीं आता छोटे बालक जैसी होती है मगर हम उसके बगल में जाते हैं तो संतोष हो जाता अपना बचपन वापस आ जाता मोढ़े थी बोलू माँ अरे त्या तो मैंने साचे मार्ग अरे पची मोटपनी बधी मजा मने कड़वी लागे कागड़ा कई बार माँ को देखता हूँ माँ की गोद में अपना बच्चा रखता हूँ तब ऐसा लगता है कि प्रभु तूने मुझे बड़ा क्यों बना दिया मैं छोटा था वो सही था। कवि ने माँ की कल्पना की कि माँ कैसी है उपमा और उपमेय का प्रयोग किया उपमा अलंकार उसको कहते हैं कि ये इसके जैसा दिखता है फलाने भाई टिंके भाई के जैसा दिखता है तो कवि ने प्रयास किया कि मेरी माँ कैसी है मीठा मधुर ने मीठा में बुलारे को मेरी माँ बारिश जैसी यदि बारिश ना आए तो क्या हो सकता है पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती प्राणी पशु पक्षी इंसान सब हैरान जगह छोड़ के चले जाते स्थान छोड़ के चले जाते लोग मर जाते मेरी मां बादल जैसी जो नित्य बरसती मीठा मधुर ने मीठा में बुलारे मगर कभी नहीं सोचा कि बारिश बादल तो कभी कभी मंडराता है मगर चला जाता है कभी कभी बरसेगा वो जरूरी नहीं मगर मेरी मां का बादल उसका प्रेम का पानी निरंतर बहता रहता है वो कभी दगा नहीं देता पण सर खोई प्रेम नो प्रवाह जो जननी जोड़ सकी नहीं जड़े हे ये भी जननी जोड़ सकी नहीं जड़े तो मेरी माँ बादल से भी अच्छा कौन है तो गंगा आज भी हम हमारे माता पिता के अस्थि सिर्फ गंगा में बहा देते हैं तो हम अपने आप को मान लेते हैं कि हमारे माता पिता की मुक्ति होगी हेतल कड़ को हाथ दो नील गंगा मां जाए तो यदि एक होते बेटी माँ है भूत न सर्जे भगीरथी एक हड्डी का टुकड़ा गंगा में चला जाए तो हम ऐसा मानते हैं कि 71 पुष्ट तक उसकी आत्मा भूत नहीं बनती है ऐसी भगवती भगवतपदी गंगा तो बोले मेरी माँ गंगा जैसी है मगर गंगा में क्या होता है मुक्ति तो देती है बहुत बढ़िया मगर कभी ने सोचा गंगा इतनी अच्छी नहीं है गंगा ना नीर तो वधे घटे रे लोगो कई बार गंगा में नीर आता है बाढ़ आती है अगल बगल वाले प्रदेश को गंगा परेशान कर देती है अपने बच्चे को बहा के दे जाती है
मगर मेरी मां कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी अपराध कर दू, सर कोई प्रेम नो ए प्रवाह जो जननी जोड़ सकी नहीं जड़े। वो लोग भाग्यशाली है जिन्होंने अपनी मां की सेवा की, और वो लोग मैं व्यासपीठ से कहता हूं दुर्भाग्यवान है जिन्होंने अपनी मां होते हुए भी अपनी मां की सेवा नहीं की। यहां हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मां के बगल में जाऊंगा मैं, मेरे चेहरे पर थकान दिखेगी मां, तो मां दुखी होगी। एक तो दुखी है, उनमें मुझे दुखी देखेंगी तो मां परेशान होगी, थोड़ा विश्राम करूंगी। मगर विश्राम का समय भी नहीं है, प्रभु राम के पास पहुंचना है, तो थकान लगी उसको मिटा दू। पूछ बुझाई खोई श्रम, श्रम को खोना है मात्र, थोड़ा भी थक लगा था चेहरे पे लालिमा आ जाए, बस पांच मिनट में दो मिनट में क्षण भर में हनुमान जी महाराज ने अपनी जो थकान जो सांस चढ़ी हुई थी उपसी हुई सांस थी बैठ गई। हनुमान जी महाराज लघु रूप लिया और जनक सुता के आगे ऐसे बैठ गए। हनुमान जी महाराज का विग्रह है छोटा विग्रह, ठाड बयऊ कर चोरी, मां के सामने लेफ्ट पैर खड़ा करके भाई दाया पीछे लगा कर वीर आसन में ठाड बयऊ कर चोरी। अद्भुत मुद्रा है हनुमान। माता ने देखा संतोष हुआ कि बच्चा सलामत है, उसको डर लगा था कि खाने गया कोई उसको परेशान न कर दे, और वहां बैठी बैठी बच्चे के काम मनोरथ की कामना कर रही थी कि मेरे बच्चे को कोई परेशान ना कर। हम लोग बाहर जाते हैं तो 12 बजे दरवाजा कौन खोलता है मालूम, पत्नी नहीं खोलती, अपनी बुद्धि मां बैठी हुई वो दरवाजा खोलती है। 12 बजे आप घर नहीं पहुंचते हो तो अपनी मां घर पे होगी तो उसका फोन आएगा, बेटा कहां खो गया अभी तक क्यों नहीं आया। तो मां को आनंद आ गया कि बेटा सब कुशल है। हनुमान जी ने कहा मां तू मोही दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन। जैसे प्रभु राम ने अपनी मुद्रिका देकर मुझे भेजा उस तरह मां तो मुझे कुछ चिन्ह दे ताकि प्रभु राम को संतोष हो जाए कि मैं देख के आया, मैं प्रमाण लेके जाऊंगा तेरी चीज को भगवान छुएंगे तो प्रेम की अनुभूति होगी। मैसेज भी दे सकते थे मगर यहां मैसेज नहीं, तेरे अंग के ऊपर का कोई चीज निशा नहीं दे, और महबूब की हर चीज महबूब होती है सर, प्रभु की चीज को पकड़ते तो प्रभु की एहसास होता है, हम मत्थे पे लगाते। तो माने चुड़ामणि उतार कर दी है। चुड़ामणि के बारे में मैं ढूंढ रहा था कि चुड़ामणि क्या है, तो मस्तक का कोई बाल के ऊपर लगाने वाला कोई श्रृंगार की सामग्री, कोई कहते कि हाथ में पहनने का कंकण है, मगर यहां तुलसी ने देखा कि उतार के चुड़ामणि थी, चुड़ामणि उतारी तब दहेव हर्ष समेत पवन सुत गए। जैसे राम की मुद्रिका लाए थे ऐसे मां भगवती का प्रसाद पाया हनुमान जी महाराज प्रसन्न। अब सीता अम्बा संदेश देती है कि बेटा अब जाओ तो प्रभु को मेरा प्रणाम कर,
कहे उतात अस मोर प्रणाम। हे हनुमान जी महाराज, प्रभु राम के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। के सब प्रकार प्रभु पूरण का, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा, दरेक की मनोकामना पूर्ण करने वाले प्रभु राम के चरणों में मेरा नमस्कार कहना, मेरा वंदन के, और प्रभु राम को मेरी फरियाद करना, प्रभु राम को बताना कि आप कौन हैं और सीता कितनी दुखी है, आपका स्वभाव है जो दुखी होते हैं उनके दुख का आप निवारण करते हैं। अद्भुत उपाधि दी सीता जी ने राम के लिए, सर्टिफिकेट दिया कि प्रभु राम आपको समाज आपके भगत दीन दयाल कहते हैं। आपका